गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। और मैं और कभी कभी जस्ट नहा के रूम में आए हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत है नसीब ब्लॉग में। और हम आशा करते हैं कि आपका ब्लॉग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपके लिए एक सरप्राइज है, शीरा बनाएंगे आज। हमने आपको उसके बनाने का प्रोसेस चल रहा है। हाँ, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। शीरा बनाने के लिए जो हमने गेहूँ भिगो रखी है, ये दो दिन पहले भिगोई थी और दो दिन पहले रोज इसका पानी चेंज हो रहा था। और अब देखो ये बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल गल चुकी है। मैं दिखाऊं इनका दूध को फिक्स छोड़ो ना बेटा, पापा दिखाओ दूध नहीं गल रहा है। और देखो आप गेहूं बिल्कुल हो रखी है, ये देखो अभी बिल्कुल गेहूं तैयार है शीरा बनने के लिए। तो ये दूध, ये देखो ये इसका बिल्कुल गेहूं का दूध निकल रहा है। तो इसको हम पूरे अच्छे तरीके से अब धो लेंगे। भाई साहब, इसके जो बदबू है ना, ये बदबू है ना, मैं तो बड़ी मुश्किल से सह रहा था, अब थोड़ा ठीक है क्योंकि अब इसमें पानी नहीं है ना, इसलिए अब थोड़ा ठीक है, नहीं तो बड़ी भयंकर बदबू थी, बड़ी भयंकर बदबू थी इसकी। कितना बढ़िया तरीके से पीसते हैं बाबा, देखते हैं कितना अच्छे तरीके से पीसते हैं। पापा ने तो चूरा ही बना लिया। देखो गाइस, अब लाइट आ चुकी है और हम कुंडे से इसको नहीं पीसेंगे, हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। सो आगे का प्रोसीजर, सो क्या जल्दी बहुत रही है।
यहाँ चल रहा है पूरा प्रोसेस। देखो पूनम जी कर रहे हैं यहाँ पे पूरा ग्राइंडिंग का काम, यहाँ पे हो रहा धुलाई का काम और यहाँ पे हो रहा नितराई का काम। यहाँ पे हो रहा देखो मम्मी पूरा जो पिसा हुआ है, पिसी हुई जो गेहूँ है उसको पूरा यहाँ पे छान छान के इस तरह से ये बिल्कुल दूध बन गया है। और अब देखो इस तरह से छन्नी में छानी जा रही है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं मम्मी। और इधर भी पूनम भी बहुत मेहनत कर रही है। देखो कैसा लग रहा है आपको पहली बार शीरा बनाते हुए? पहली बार शीरा बना रहे हैं आप? आपके पगडंडिया में ऐसे नहीं बनाया जाता क्या? वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं। लगाई तो ये प्रोसीजर चल रहा है। देखो इस तरह से इसको फिर ये जो मटेरियल है इसको फिर सूखने के लिए धूप में रख देंगे। और तो शीरा बनने का प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद इसको धूप में सुखाने डाल देंगे। और बने रहिए ब्लॉग में, मज़ा तो आ रहा होगा क्योंकि शीरा यार शीरा किसने बनाया नहीं तो यूट्यूब पर दिखाया नहीं किसने, फर्स्ट टाइम दिखा रहे हम, दिखा रखा है मैंने तो देखा नहीं अभी। कहाँ पे दिखाया किसने, मैंने तो देखा नहीं यार। झूठी बोले जा रहे यार, नहीं बताया किसने, ये फर्स्ट टाइम है, हम फर्स्ट यूट्यूबर हैं जो कि दिखा रहे हैं शीरा कैसे बनता है। पहली बार देखिए धमाका कि शीरा कैसे बनता है। तो गाइस अब हमने आधे को कर दिया है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से। आप बस यही बची है सारी इस मशीन में कर रहे हैं, ये हो गई है सारी, ये दूध निकला हुआ है इनका, देखो कितना सारा है, आधा तो पानी भी है। कितना हार्ड हो चुका है। इवान बोल रहा है मेरा केक रेडी है। और ये शीरा बनकर रेडी हो चुका, सूख चुका अच्छे से, और इसको अब काटेंगे। देखते हैं देखते हैं। बर्फी के पीस हों और इसको खा लें उठा के बस, ये देखो एक तरफ से पनीर के पीस लग रहे हैं, एक तरफ से बर्फी के पीस लग रहे हैं। गाइस इस तरह से शीरा सूख कर रेडी हो चुका है और नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलेंगे शीरा के व्लॉग के साथ जो कि इसका हलवा बनाते हुए हम आपको दिखाएंगे। पूनम और तभी दोनों लड़ रहे हैं कि मैं काटूंगा। और सो इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय जय बड़े।